प्यारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अनुपात का है क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको, आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की ए अनुपात है, बी की आयु का अनुपात 3:8 है। क्या है? 3:8। इनकी आयु का योगफल 55 वर्ष है। इसका इनके आयु का योगफल कितना है? 55 वर्ष। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ए का अनुपात क्या है, ये और बी का अनुपात क्या है? 3:8। क्या है? 3:8 है। अब इसका योगफल दिया है, योगफल दिया है, क्या दिया है? योगफल, योगफल कितना है, योगफल कितना है? 55। क्या है? 55 है, 55 वर्ष है योगफल, 55 वर्ष। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, योगफल कह रहा है, ऐड करेंगे तो 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11 बराबर 55 वर्ष। 11 बराबर 55 वर्ष। तो 1 बराबर किया हो जाएगा 5 वर्ष। क्या जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यह देखिए, यह बातें भी 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है? 5 किया है 15 अनुपात है, और 5 वाट है 40। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो देखिए इधर इसमें ऐड कर देंगे, 5 वर्ष क्या जाएगा? 20 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। देखिए कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 9 45, 4:9 आ जाएगा इनकी आयु का अनुपात। अब एक और उल्लंघन बता रहे हैं आपको, अगर ये 1 बराबर 5 है, 5 बराबर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये जो इनकी आयु का अनुपात जो है, ए अनुपात है, बी का जो अनुपात है 3:1:8 है, अगर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे अगर, तो 4 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे 9 हो जाएगा। देखिए कितना छोटा है क्वेश्चन, आया समझ में ना? चलिए बाकी